महात्मा ज्योतिबा फुले अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से फ्लाइंग क्लब नागपुर के माध्यम से मां ज्योति के लाभार्थियों को पेशेवर पायलट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 26 फरवरी 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तदनुसार 20 छात्रों को पेशेवर पायलट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शुल्क महाज्योति के माध्यम से नागपुर फ्लाइंग क्लब को उपलब्ध कराया गया था। एमओयू के मुताबिक ट्रेनिंग देने की पूरी जिम्मेदारी नागपुर फ्लाइंग क्लब की थी। यह मुद्दा राज्य के पूर्व मंत्री एवं नागपुर जिले के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने सदन में उजागर किया। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत महाज्योति संस्था द्वारा क्रियान्वित विमानन प्रशिक्षण योजना के तहत विमानन प्रशिक्षण सत्र अप्रैल 2024 में पूरा किया गया था और इस सत्र के छात्रों को नागपुर फ्लाइंग क्लब द्वारा आवश्यक के 200 घंटे का पायलट प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, इसलिए छात्रों का भविष्य खतरे में है। इस योजना का ठेका महाज्योति द्वारा नागपुर फ्लाइंग क्लब को दिया गया। इस प्रयोजन के लिए महाज्योति द्वारा फ्लाइंग क्लब को प्रति प्रशिक्षु 25 लाख रुपए का प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान किया गया है और प्रशिक्षकों को प्रति माह 10,000 रुपए का शिक्षण शुल्क देने का प्रावधान किया गया है, ऐसा नितिन राउत ने कहा कि महाज्योति संस्था ने पैसे अदा करू नहीं 20 प्रशिक्षणार्थी विमान उड्डाणाचे प्रशिक्षण दिले जात नसल्यामुळे नागपूर फ्लाइंग क्लब वर कारवाई करून विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचा विषय अध्यक्ष महोदय इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत महाज्योति संस्थेमार्फत राबविण्यात येत असलेला पायलट प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत विमान उड्डाणाचे प्रशिक्षण 17 एप्रिल 2024 मध्ये पूर्ण झाले असून या सत्रातील विद्यार्थ्यांना नागपूर फ्लाइंग क्लबने आवश्यक असलेले 200 तासाचे पायलट प्रशिक्षण देण्यात आले नसल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येणे सदर योजनेचे कंत्राट महाज्योतीद्वारे नागपूर क्लब यांना देण्यात येणे याकरिता प्रति प्रशिक्षणार्थी तब्बल 25 लाख रुपये प्रशिक्षण शुल्क महाज्योतीकडून फ्लाइंग क्लबला अदा करणे प्रशिक्षणार्थींना 10,000 रुपये प्रति महिना विद्यावेतन दिले जात असते परंतु फ्लाइंग क्लब कडून पायलट प्रशिक्षणासाठी आवश्यक असलेले 200 तासाचे विमान उड्डाण प्रशिक्षण पूर्ण करून देण्यात आलेले नाही अध्यक्ष महोदय आणि 10 ते 30 तास प्रशिक्षण व्हायला पाहिजे ते सुद्धा अद्यापही सुरू झालेलं नाही हा गंभीर विषय आहे। या संबंधी विरोधी पक्ष नेत्यांनी सुद्धा शासनाचे मंत्री मागास व बहुजन कल्याण यांना लेखी पत्र दिलं आहे तरीही अजूनपर्यंत त्यांना प्रशिक्षण सुरू करण्यात आलेलं नाही करिता तातडीने कारवाई व्हावी म्हणून आपल्याला विनंती। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।